गुड मॉर्निंग बा रिवा। रिवा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बा। वर बघा हे एक काढू आपण। अहम गोळ्या कशाला घेतल्या बाळा? हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम टू स्वातीज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आज मैं रक्षाबंधन का पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। तो सुबह उठने के बाद अभी रेवा देखिए उठ गई है जस्ट, और पूरा मैं उसका टोपी वगैरह निकाल देती हूँ और सुबह सुबह मैं उसको देती हूँ आधा चम्मच शहद। ये अच्छा होता है। अभी उसका 1.5 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, 1.5 साल के ऊपर हो चुकी है, तो आप दे सकते हैं। गुट्टी तो मैं अभी उसको नहीं देती हूँ बट शहद देती हूँ, उसको पसंद है तो वो खाती भी है अच्छे से। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। आजी काव काव कुठे सांग, काव काव कुठे आला? बघ बघ बरं, आपली डाळ खाऊन घे, बघ बरं आलाय का? कुठे आला? जा म्हणताना वा 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 वा, छान 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 छान। इकडे घे बॉक्स, इकडे घे, हित मांडा बाळा, हित मांडा, तिकडे मांडायची गरज नाही, हित मांडा ना। हां काळा गाडी फिरते
तो आज मैं खाने में बैंगन का सॉरी भरा हुआ बैंगन बना रही हूँ, उसके साथ आलू की सब्जी, पूरी और राइस तो रहता ही है। श्रीखंड थोड़ा मीठा मैं बाहर से लेकर आई हूँ, तो घर पे नहीं बनाया है मैंने। और भरवा बैंगन जो है वो बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है। बस यहाँ पे मैंने बैंगन लिए है, उनको मैंने दो क्रॉस कट लगाए हैं और उसके अंदर जो मसाला मैं बनाऊँगी वो डालूँगी। तो मसाले के लिए यहाँ पे मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है, उसके अंदर फिर सारे इंडियन मसाले डाले हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी सिंपल सी चीज़ें हमें डालनी है और इसका एक पेस्ट बनाना है पानी का यूज़ करके, और उसको हमें बैंगन के अंदर डालना है। और इनको मैं डायरेक्टली तेल में डाल देती हूँ, कढ़ाई के अंदर जो गरम किया हुआ तेल है उसके अंदर मैं डाल देती हूँ। मीडियम गैस के ऊपर हमें इसे एक 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, सारी साइड से पकाना है अच्छे से, तो ये रेडी हो जाता है। उसके बाद मैंने आलू की सब्जी बनाई है और पूरियां बनाई है। तो यहाँ पे ये है हमारा लंच बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे रेवा देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है, आज फेस्टिवल है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है।
अभय की कोई सिस्टर नहीं है तो इसलिए रेवा ही उनको राखी बांध रही है। वैसे तो रक्षाबंधन है, जो कोई हमारी रक्षा करता है उनके लिए बांधी जाती है, तो अभय को वो भी कोई सिस्टर नहीं है तो रेवा ही ये कर रही है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाला है, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरा आईडी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज़रूर चेक करना और मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना। एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे आजकल ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि रेवा की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो यूट्यूब पर डालूँ, और बहुत ज़्यादा तो टाइम मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ। तो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादातर मैंने रेवा को ही शूट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेवा को देखना पसंद है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर ज़्यादा रेवा की रूटीन या फिर रेवा का जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो आई रियली होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।